आपने शायद देखा होगा लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की जो मेटल बॉडी है उसको टच करने से बहुत बार हल्का शॉक लगता है। सिर्फ बॉडी पे ही नहीं, जो केबल्स हैं उनमें जो एक्सपोज्ड मेटल पोर्शन है उनमें भी बहुत बार टच करने से हल्का शॉक लगता है। जैसे कि जो HDMI केबल है, जो USB केबल है, इनमें जो मेटल की पोर्शन है इनको टच करने से बहुत बार हल्का शॉक लगता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये वाकई एक प्रॉब्लम है? क्या हमें इसको फिक्स करना चाहिए या फिर जैसे है ऐसा ही छोड़ देना है? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, उसके मेटल बॉडी को टच करने से आपको करंट नहीं लगना चाहिए, आपको शॉक बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। मैं मानता हूँ जो ये शॉक लगता है ये बिल्कुल भी लीथल नहीं होता है, बहुत ही हल्का सा है, पर फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको आपके कंप्यूटर के बॉडी को टच करने पे शॉक लगता है तो ये आपके कंप्यूटर के लिए भी और आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉब्लम होती है अर्थिंग की वजह से। अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है या फिर आपने जिस आउटलेट के साथ, जिस वॉल आउटलेट के साथ अपने PC को कनेक्ट रखा है, अगर उसमें अर्थिंग नहीं है तो आपके कंप्यूटर की बॉडी से आपको हल्का शॉक लग सकता है। और विदाउट अर्थिंग शॉक लगना बहुत ही नेचुरल है। इसके पीछे के रीज़न है पावर सप्लाईज की इनपुट लाइन फिल्टर्स, जिसका काम है पावर सप्लाईज की आउटपुट से नॉइज़ को रिड्यूस करना। मैं इस बारे में उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट मैं आपको इतना बता दूँ कि SMPS की जो बॉडी है वो डायरेक्टली SMPS की जो अर्थिंग पिन है, मतलब कि ये वाला जो पिन है, इसके साथ कनेक्टेड है। और साथ ही SMPS से जो DC आउटपुट निकल रहा है उसकी जो नेगेटिव है वो भी अर्थिंग से कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात, जो मदरबोर्ड है, जो हार्ड ड्राइव है, जो SSD है, कंप्यूटर्स में जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनकी जो स्क्रू होल्स हैं ये सारे के सारे होल्स डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड हैं, यानी कि नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो क्या हुआ, सारे के सारे कंपोनेंट्स की जो नेगेटिव है वो एक ही सोर्स से कनेक्टेड है, डेफिनेटली आपके SMPS से। और जैसा कि मैंने आपको बताया SMPS की जो DC आउटपुट है उसकी जो नेगेटिव लाइन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है SMPS की अर्थिंग के साथ, अर्थिंग की इस पिन के साथ। तो आप समझ ही सकते हो कि स्क्रू होल्स के जरिए जब आप स्क्रू को पास करोगे और लगाओगे अपने कंप्यूटर की कैबिनेट के साथ तो कैबिनेट भी अल्टीमेटली ग्राउंड हो जाता है, मतलब कि कैबिनेट की जो बॉडी है वो भी नेगेटिव बन जाती है DC की साइड से देखा जाए, DC पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और अगर हम AC पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अर्थिंग बन जाती है। तो ये तो कुछ थियोरिटिकल्स बातें हो गई, चलिए अब बात करते हैं कि आप कैसे चेक करोगे कि आप जिस आउटलेट से आप अपने PC को कनेक्ट कर रहे हो उसमें अर्थिंग है या फिर नहीं। देखिए इसको चेक करना बहुत ही आसान है। आप सिंपली एक 45 वाट की बल्ब ले लीजिए, एक होल्डर ले लीजिए ऐसा, और उसमें दो वायर्स को ऐसे लगा दीजिए। इसके बाद आपको इस पूरे असेंबली को ले जाके लगाना है अपने वॉल आउटलेट में कुछ ऐसे। इससे ऑब्वियसली वो जो बल्ब है वो जलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो लेफ्ट वायर है उसको निकालिए। ध्यान रखें इस वायर की जो कॉपर पोर्शन है इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, और इस वायर को जाके लगाना है सबसे बड़े वाले होल में जिसको अर्थिंग के लिए दिया जाता है। अगर लाइट जल रहा है तो अर्थिंग सही है, अगर ना जले तो लेफ्ट होल से जो वायर आपने निकाला था उसको वापस डाल दीजिए और राइट होल से वायर को निकालिए और उसको जाके अर्थिंग में लगाइए। अगर इस बार लाइट जल जाता है तो अर्थिंग तो आपका सही है पर आपका फेज और न्यूट्रल रिवर्स में लगा हुआ है, इसको आपको सही करवाना है। फेज ऑलवेज आउटलेट की राइट साइड में होना चाहिए और न्यूट्रल ऑलवेज होना चाहिए लेफ्ट साइड में। अगर ऐसा नहीं है तो आपको इसको सही करवाना है। और अगर दोनों ही सिचुएशन में वो 45 वाट का बल्ब ना जले तो अर्थिंग के साथ कुछ लोचा है, आपको अर्थिंग को सही करवाना पड़ेगा। तो आपने अपने घर की अर्थिंग या फिर यूँ कह लो उस स्विच बोर्ड की अर्थिंग को तो चेक कर लिया। इसके बाद आपको चेक करना है कि जो पावर कॉर्ड आप अपने कंप्यूटर के साथ यूज़ कर रहे हो उस पावर कॉर्ड की अर्थिंग सही है या फिर नहीं। इसको चेक करने के लिए मैं पर्सनली तो मल्टीमीटर को रिकमेंड करूँगा, पर जिनके पास मल्टीमीटर नहीं है उनके लिए तो वही कॉन्ट्रैप्शन काम में आएगा। कौन सा कॉन्ट्रैप्शन की बात कर रहा हूँ मैं? जी हाँ, उस 45 वाट की बल्ब और एक बल्ब होल्डर और दो वायर्स,
उसी कॉन्ट्रैप्शन कप को यूज़ करना है। यहाँ पे आपको सिंपली चेक करना है कि जो ये कनेक्टर है इसकी जो अर्थिंग है वो सही से काम कर रही है या फिर नहीं। यहाँ पे आप देखिए तीन ऐसे होल्स बने हुए हैं, यहाँ पे एक में लिखा हुआ है L यानी कि लाइफ या फिर यू कह लो फेज, दूसरे में लिखा हुआ है N यानी कि न्यूट्रल, और तीसरे में कुछ ऐसे एक निशान बना हुआ है, इसका मतलब है अर्थिंग। आपको कैसे कनेक्ट करना है इस बल्ब को, शायद आप गेस कर सकते हो। आपको इस बल्ब की एक वायर को L में डालना है, L मतलब लाइफ या फिर यू कह लो फेज, फेज में आपको डालनी है एक वायर को, दूसरे वायर को डालनी है अर्थिंग में। अगर बल्ब जल रहा है इसका मतलब है ये वायर ठीक है, इस वायर की जो अर्थिंग है वो सही है। अगर नहीं जल रहा है तो इस वायर में आइदर अर्थिंग है ही नहीं या फिर अर्थिंग खराब है, आपको इस वायर को बदलना है। आप अपने तसल्ली के लिए एक बार चेक कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आखिर इस वायर में बिजली आ रही है या फिर नहीं आ रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप सिंपली कुछ इस तरीके से बल्ब को कनेक्ट कर सकते हो। बल्ब की एक वायर को लगाइए एल में और दूसरे को लगाइए एन में, तो अगर बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब है इस वायर में पावर आ रही है। एंड सब कुछ चेक करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, जिसे भी पावर कॉर्ड को आप यूज़ कर रहे हो इसमें आप एक बात का ज़रूर कन्फर्म कर लीजिए कि उसमें अर्थिंग मौजूद हो, मतलब कि इसका जो प्लग है वो 3-पिन प्लग हो। अगर 2-पिन प्लग है इसका मतलब है कि उसमें अर्थिंग नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक बात है फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो इतना सब कुछ टेस्ट करने के बावजूद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पता नहीं चलती है, आप अगर ऐसा देख रहे हो कि आपके घर में अर्थिंग भी सही है, पावर कॉर्ड की अर्थिंग भी सही है, तो इस तरह की सिचुएशन में दो सिनेरियोज हो सकते हैं। सबसे पहला, आपके कंप्यूटर के अंदर कोई दिक्कत है। दूसरा, आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो वो तो आप खुद भी फील कर पाओगे, इसकी वजह से भी बॉडी शॉटिंग की ये जो प्रॉब्लम है आ सकती है, और ह्यूमिडिटी की वजह से आपके कंप्यूटर के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी शॉर्ट हो सकती हैं, मतलब कि जो आईसीज वगैरह है वो शॉर्ट हो सकते हैं। तो अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, पर अगर कंप्यूटर के अंदर कुछ दिक्कत है तो इसको हम ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जनरली दो तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर इस तरह की सिचुएशन बन रही है तो। अगर कंप्यूटर को टच करने से शॉक लग रहा है तो दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहला कि कंप्यूटर के अंदर की कोई वायर निकल के बॉडी को टच कर रही है, इस वजह से शॉक लग सकता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि आपने अर्थिंग को कनेक्ट करके रखा है, फिर भी अगर लग रहा है तो ऐसा हो सकता है। और दूसरा कि कंप्यूटर की जो SMPS है वो ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर लैपटॉप के केस में एक ही चीज़ हो सकती है, अगर शॉक लग रही है तो, अगर अर्थिंग की प्रॉब्लम नहीं है, अगर फेस न्यूट्रल सब कुछ सही सही लगा हुआ है, तब एक ही चीज़ हो सकती है कि जो पावर अडेप्टर है, जो अडेप्टर है, जो चार्जर है, उसमें कोई दिक्कत है। एक बात और, अगर आपके लैपटॉप की अडेप्टर पे 2-पिन प्लग है तो आप प्लग को जिस डायरेक्शन पे वॉल आउटलेट से कनेक्ट किए हो उसको एक बार रिवर्स करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे मोस्टली प्रॉब्लम सही हो जाती है। अगर डेस्कटॉप है तो इस केस में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आदर SMPS में कोई दिक्कत है या फिर अंदर कोई वायर निकल गई है। अगर SMPS में दिक्कत है तो आपको SMPS को बदलना है, अगर वायर निकल गई है तो आपको उसको ढूंढना है वो कहाँ पे गया है, कहाँ पे वो वायर निकल गई है, उसको आपको सही करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में जो चीप SMPS है इनको बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। जो 400-500 रुपये वाले SMPS आते हैं इसको बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। इसके अंदर सभी की सभी जो फंक्शंस होती है, सभी की सभी जो सिक्योरिटीज होती हैं, सिक्योरिटी से मेरा मतलब है सेफ्टी फीचर्स, जो सारे सेफ्टी फीचर्स होते हैं, जो आइसोलेशंस वगैरह होते हैं, वो सब इस तरह के चीप SMPS के अंदर नहीं रहता है, बहुत सारे केसेस में नहीं रहता है। तो अगर नहीं है तो आपके कंप्यूटर की लाइफ के लिए भी वो ख़तरनाक है और साथ ही साथ आपके लिए भी वो ख़तरनाक हो सकती हैं। तो बस मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि क्यों कंप्यूटर की बॉडी को टच करने से हमें बहुत बार शॉक लगती है और क्यों नहीं लगती है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भेजिए, पूछ सकते हो, मैं इसको आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर दीजिएगा, इससे कोई जाए मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। देने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।